जीवों के लिए यमराज की जो तरकपुरी है ना, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे एक यमराज की संयमन नरकपुरी है, जिसमें 28 प्रकार के नरक हैं। तास्मित्र नमक अंधतास्मित्र नमक रौरव नरक महारौरव नरक कुंभवाकी नरक कालसूत्र नरक, इस तरीके से 58 नरकों का वर्णन किया बहुत विस्तार से स्वामी सुखदेव मुनि महाराज जी ने महाराज परीक्षित के लिए। और उन्होंने कहा कि जो प्राणी परम संपदा का हरण करता है और दूसरे की स्त्री का हरण करता है, बच्चों का हरण करता है, यमदूत उसे तास्विक नरक में ले जाकर के पटक देते हैं। और उस नरक में होता क्या है कि जैसे हमारे यहाँ आग का अलाव जलाया जाए, धधकता हुआ कोयला जलता रहे, उसमें कोई गिर जाए तो उसके शरीर की क्या हालत होगी। उस नरक में पृथ्वी बिल्कुल आग से तपती हुई होती है, उस नरक में ले जाकर के पटक देते हैं। इस प्रकार से 28 प्रकार के नरकों का प्रभु ने वर्णन किया। और यहाँ सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हुए कहा कि कन्नौज में रहने वाला एक अजामिल नाम का कार्तिकुब्ज ब्राह्मण था, जिसने वेद पाठ भी किया था, बड़ा विशुद्ध कृत रहता था, लेकिन एक दिन जंगल में लकड़ी बिनने गया था। उसने एक किसी वेश्या को वेश्यारण्य में देख लिया और आज उसी वेश्या के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा, अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। और अब तो धीरे धीरे जब वेश्या वृत्त करने लगा, अजामिल व्यभिचार करने लगा, अजामिल के सारे वेद पाठ, सारे सुंदर सुंदर कर्म बंद हो गए। और संत की कृपा किस पर नहीं होती, हमारे भारत के ऋषि और हमारे भारत के संत तो महान हैं। एक बार की बात है, कुछ संतों की टोली जा रही थी वृंदावन धाम और अचानक किसी से पूछा कि रात्रि हो गई, अब मुझे ठहरने का कोई स्थान बता दो। तो लोगों ने शायद जिस भाव से भी बताया हो, लेकिन अजामिल के घर का पता बता दिया। अब तो अजामिल के घर जैसे ही पहुंचते हैं, आवाज देते, भाई कोई है? अजामिल तो नहीं थे, उनकी धर्म पत्नी निकलती, जी महाराज। कहते पुत्री, आज हम सभी रात्रि को यही विश्राम करेंगे, भोजन भोजन यही पाएंगे। कहती, महाराज मेरे घर में तो कुछ खाने पीने के लिए शुद्ध वस्तु है नहीं, अतः आपको मैं क्या सेवा कर पाऊंगी, और मेरे स्वामी आएंगे तो भी बहुत नाराज होंगे। लेकिन संत अपने बिल्कुल निश्चित संकल्प के साथ गए हैं, उनको तो अजामिल को मुक्त करना है। उन्होंने कहा, बेटा अगर बनाई हुई वस्तु नहीं खा सकते, नहीं पा सकते, तो आपकी रसोई में जो सूखा राशन है मुझे देना, हम लोग यही पेड़ के नीचे बनाकर पालना है। वेश्या तो थी, लेकिन धर्म कर्म थोड़ा था। उसने कहा, कोई बात नहीं। उसने सूखा राशन दिया, बाबा लोग बना कर पाए। अजामिल आया, पूछता, कौन होते हैं ये सब? कहते, संत महात्मा आए हैं, जरा संभल के बात करना। अच्छा, सुबह हुआ, बाबा लोगों ने कहा, भाई प्रस्थान करेंगे, लाओ कुछ भर विदाई दो, चलते हैं। अब तो अजामिल को बड़ा गुस्सा आया। अजामिल कहता, विदाई लेने आए हो, जो कुछ लिए हो सब मुझे देके जाओ, हमारा काम देना नहीं है, लेते हैं हम सबसे। लेकिन महाराज, संत भगवान नाराज नहीं हो रहे, क्योंकि संत भगवान को तो अजामिल को मुक्त करना है। बड़ी बहस हुई, पत्नी ने रोका, और सही पति वही है जो पत्नी की कंट्रोल में रहते हैं, उसके कहने से डर जाते हैं, इशारा किया, रे चुप हो गया। पत्नी ने निवेदन किया कि महाराज इनकी मुक्ति कैसे होगी। अतः बाद में संत भगवान ने कहा कि गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो सिर्फ एक दक्षिणा दो, कि तुम्हें आने वाला जो पुत्र होगा उसका नाम तो नारायण रख लेना। प्रेम से बोले, नारायण भगवान। उसने वैसा ही किया, अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। और अजामिल जैसा पापी जो बिल्कुल व्यभिचार में लिप्त था, अंत समय में, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत दाम कही आहत नाही, क्योंकि कर्म उसके ऐसे थे कि नरक में जाना है,
लेकिन उसने जैसे एक बार में नाम पुकारा नारायण, अजामिल की मुक्ति हो गई, प्रभु के दिव्य पार्षद अपने घर ले गए। बोली भक्त वत्सल भगवान जय। अब तो प्रहलाद जी के चरित्र पर जैसा प्रकाश डालते हुए स्वामी सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि परीक्षित, जिस समय तुम्हारे दादा युधिष्ठिर राजसु यज्ञ कर रहे थे, शिशुपाल ने भगवान को 99 गाली दी थी, सैकड़ों गालियां दे दी थी, गालियों की बौछार कर दी थी। और जैसे ही शिशुपाल ने 100वीं गाली भगवान को दी, उनका सुदर्शन उसका चक्र से गला काट कर नीचे गिरा दिया। बोली बात के बिहारी सरकार जय। परीक्षित बोलते महाराज, प्रहलाद पर अनुग्रह कैसे किया, जरा इस बात को विस्तार से सुनाइए। कहते महाराज, जिस समय भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया था, उस समय उसका भाई हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर बैरी बनकर मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया था, और उसी के पुत्र हैं प्रहलाद, जिनके मन में तो बिल्कुल पैदा होते से ही भगवान तेरी टांग वाले मनसी बजाते हैं, पीताम्बर उड़े हुए कृष्ण जी समाये हुए हैं। एक बार की बात है कि प्रहलाद बहुत छोटे से थे, अपने दैत्य कुल के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, और उसके पिताजी हिरण्यकश्यप आते हैं, पूछते हैं कि बेटा आज तक तुमने कौन कौन सी बातें सीखी हैं, अपने गुरु जी से जरा मुझे बताओ। तो प्रहलाद ने बताया, आप सभी को कौन सी बात बताई, रामायण की नवधा भक्ति तो सुने ही होंगे, और नहीं सुने होंगे तो जब माता शबरी का प्रसंग आएगा तो गौरांगी गौरी जी सुनाएंगे। लेकिन यहाँ जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि आज तक तुमने अपने गुरुकुल में क्या सीखा, प्रहलाद ने कहा पिताजी मैंने 9 बातें सीख ली है। वो 9 बातें कौन सी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाठ सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। हे प्रभु, पिताजी मैंने 9 बातें सीखी हैं, जो परमात्मा सृष्टि बनाते हैं, जो परमात्मा सृष्टि का पालन करते हैं, जो परमात्मा सृष्टि का विनाश करते हैं, उन परमात्मा की भक्ति 9 तरीके से की जाती है। पहली भक्ति श्रवण, कान मिले हैं तो भगवान की कीर्ति सुनो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का भजन सुनो। दूसरी कीर्तन करो, कीर्तनम विष्णु स्वधमा पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करो, अर्चना करके वंदना करके दास्यम प्रभु का दास बनते। और जैसे ही हिरण्यकश्यप 9 बातें सुनता है ना, उसकी क्रोध में आंखें लाल हो जाती हैं, कहता है तू कल का बच्चा मुझे शिक्षा देने आया है। अरे तू कल का बच्चा मुझे शिक्षा दे रहा है, तुझको सिखाया इस 9 बातें किसने। खंड अकर्मक जी को बुलाता है, बड़ी जोर से हाजिरी लगाता है, और जब खंड अकर्मक जी बोले कि प्रभु हमने तो अपने दैत्य कुल की परंपरा के अनुसार ही इसे पढ़ाया है, ना जाने कहां से सीख लिया। इसके बाद जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद के ऊपर बहुत नाराज होता है, क्रोध में आकर के पूछता है तो तू जिस भगवान की बात करता है वो भगवान कहां कहां रहते हैं। अरे तेरा भगवान, जिस भगवान की 9 भक्ति की बात कर रहा है, तेरा भगवान कहां कहां है। बोली भक्त प्रहलाद की जय। जानते हैं
हैं प्रहलाद क्या जवाब देते हैं। प्रहलाद कहते हैं, पिताजी आप तो कह रहे हैं कि तेरा भगवान कहाँ कहाँ रहता है, मैं तो इतना कह रहा हूँ, जरा ध्यान से श्रवण करेंगे। कहते मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे भगवान कहाँ नहीं है, मेरे भगवान तो इस जगत के कण कण में है, दुनिया के छोटे छोटे कण में भी बैठे हैं। इसलिए पिताजी कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो कहते तेरा भगवान कहाँ कहाँ है, कहते हैं मेरा भगवान इस जगत के कण कण में है, और जब इस जगत के कण कण में है तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या तेरा भगवान सामने जो खंभा खड़ा है इस खंभे में भी है। प्रहलाद ने बड़े सुंदर भाव से उत्तर दिया कि हाँ पिताजी मेरे भगवान तो इस खंभे में है। अरे पूछते तेरा भगवान इस खंभे में है, हाँ पिताजी मेरा भगवान इस खंभे में है। कहते हाँ मेरा भगवान इस खंभे में है। अरे तेरा भगवान इस खंभे में है तो नहीं, आज नहीं खंभा रहेगा न तेरा भगवान रहेगा, तो जिसे तुम्हें बाद में निपट लूंगा। गगर 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 कम कम भाग चला दो निकसो जर ना हर बहू अभी भयान में है। गगर गगर गावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मारे सार कम कम भाग बोले नरसिंह अपने भक्त प्रहलाद से कि पुत्र मैंने आने में थोड़ी देर कर दी और तुम्हें इस दुष्ट से बहुत परेशान होना पड़ा, और मेरे प्रभु ने हिरण्यकश्यप को मेरे प्रभु ने अपने गोद में उठाकर हिरण्यकश्यप को अपने जंघे पर लिटा लिया। और जैसे ही भगवान को देखता है हिरण्यकश्यप बिल्कुल घबरा रहा है, लेकिन फिर ही मन मन सोच रहा है कि मुझे डरने की क्या बात है। अरे हिरण्यकश्यप कहता है मुझे डरने की क्या बात है, मैं तो वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त कर चुका हूँ। कैसा वरदान है? अब तो मेरे प्रभु आज हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए हैं। अरे ललकारता है भगवान को कि पर मैंने वरदान लिया है, न मैं भीतर मरूंगा न मैं बाहर मरूंगा। भगवान कहते हैं दुष्ट हिरण्यकश्यप जरा देख ले, न तो भीतर है न बाहर है, इसलिए मैं तुझे बीच देहरी पर लेकर बैठा हूं। हिरण्यकश्यप कहता है अरे न मैं अंदर मरूंगा न बाहर मरूंगा, अगर इसलिए आप देहरी पर मुझे लेकर के बैठे हैं तो न मैं अस्त्र से मरूंगा न मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान कहते मेरे लंबे लंबे नाखून तेरे लिए काफी है। अरे न मैं दिन में मरूंगा न मैं रात में मरूंगा, कहते न दिन है न रात्रि है, ये तो गोधुर बेला है। ए माई गोधुर बेला जाने लो, गोधुर जाने लो ना गोधेरिया, न संध्या में रहेगा सवेरे। भगवान कहते मैं गोधुर बेला में तुझे लेकर के आया हूँ। अरे कहता है न मैं आकाश में मरूंगा न मैं पाताल में मरूंगा, बोलते कहीं नहीं हो तुम तो आज मेरे जंगे पर और इस दरवाजे के चौखट पर हो। बोलता है न मैं मनुष्य से मरूंगा न मैं जानवर से मरूंगा,
बोलते हैं ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं जानवर हूँ, मैं तो आधा नर हूँ और आधा सिंह हूँ। बोले बोल सिंह भगवान की जय। मेरे प्रभु ने अपने लंबे लंबे नाखून से हिरण्यकश्यप के हृदय को फाड़ दिया। बोले बोल सिंह भगवान की जय। अरे जरा आप सभी भी प्रहलाद जी का दर्शन तो करने पर तालियां तो हो ही जाए। बोलिए श्री श्री स्वामी जी महाराज। आज मानो मेरे प्रभु इतने गुस्से में हैं कि देवता आकाश से सुमन वृष्टि कर रहे हैं और यहाँ भगवान की स्तुति प्रहलाद ने गाई और प्रहलाद ने भगवान की स्तुति गाई और भगवान का क्रोध किसी से शांत नहीं हो रहा है और भगवान यहां मानो प्रहलाद से कहना चाहते हैं कि पुत्र मेरे आने में देर हो गई है इसलिए जैसे ही मेरे प्रभु ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया आज देखिए नरसिंह भगवान अपनी गोद में उठाकर प्रहलाद को हृदय से प्रेम कर रहे हैं। जरा एक बार सभी के जोरदार तालियां। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज जीव से नरसिंह भगवान अपने प्रहलाद को चाट रहे हैं। अपनी जीभ से सिख चाट रहे हैं और चाट करके दुलार कर रहे हैं। मानो आज भगवान कहना चाहते हैं पुत्र मुझे आने में देर हो गई और तुम पर इतना बड़ा अत्याचार कर दिया। भक्त प्रहलाद कहते हैं प्रभु दुनिया का सबसे बड़ा धनवान मैं हूं, दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली मैं हूं कि क्या आज तक आपने माता लक्ष्मी जो कभी इतनी देर गोद में लेकर के कभी जीव से चाहता है नहीं चाहता। तो मैं आज अपने को सबसे बड़ा धनवान मानता हूं। मानो किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आज भगवान के इस विराट स्वरूप के सामने पहुंचकर भगवान के क्रोध को शांत कर सके। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरीके से न जाने कौन से गुण पे न जाने कौन से गुण पे दया Thank you.
बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरीके से मेरे प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। स्वामी सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, ये बात उस समय की है जब देवता अमृत पान कर चुके थे और सारे देवताओं ने चुन चुन करके एक एक दैत्य को जब समाप्त कर दिया था, उस समय दैत्य राज बलि भी मारे गए थे। यहाँ भगवान बटुक बामन के रूप में आने वाले हैं। सारे राक्षस एक एक करके समाप्त कर दिए गए हैं, लेकिन गुरु शुक्राचार्य जी के संस्कृत सचिवों की विद्या से सारे दैत्य पुनर्जीवित कर दिए गए। और उस समय गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा था दैत्यराज बलि से कि अगर तुम्हें हम लोगों ने पुनर्जीवित किया है, इस बात का ध्यान रखना कि देवताओं के साथ में भगवान है और तुम्हारे साथ में गुरु है। जिसके साथ गुरु रहेगा उसका कोई बाल वाका नहीं कर सकता। इसलिए देवता ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, तू भी ब्राह्मणों की भक्ति करना सीखे। अब तो जोर जोर लंबी लंबी दंडवत करने लगा, अतः उसका फल ये हुआ कि एक बार दैत्यराज बलि का देवलोक पर अधिपत्य हो गया। यहाँ माता अदिति बहुत दुखी हैं और व्रत के फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में व्रत करने से जो दुग्धा हार लेकर के व्रत की थी उसके प्रभाव से कालांतर में शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में अदिति मैया के गर्भ से भगवान बटुक बामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोली बटुक बामन भगवान की जय। अब तो बटुक बामन भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ, अदिति मैया ने लघोटी पहनाई, कश्यप जी महाराज ने मेखला की माला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट दी, भूदेवी ने चरण पादुका दी और बृहस्पति महाराज ने गायत्री मंत्र फूंक कर यज्ञोपवीत धारण करवाया। और जब बटुक बामन भगवान ने उन्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए तो उन्होंने कहा अगर गुरु दक्षिणा देना ही है तो जा करके राजा बलि से त्रिलोकों की संपदा मांग कर लाओ, भिक्षा में तुम्हें वही लूंगा। पता है मेरे प्रभु तीन पद भूमि मांगकर यहाँ पर बलि का उद्धार किए। प्रेम से बोलिए बटुक बामन भगवान। जय हो। अब तो महाराज परीक्षित जी ने कहा कि सरकार मुझे सूर्यवंश का वर्णन सुनना है। सूर्यवंश की कथा श्रवण कराते हुए स्वामी सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित, सूर्यवंश की कथा विस्तार से सुनाना तो 100 वर्षों में भी चर्चा पूरी नहीं हो सकती। इसलिए संक्षेप में तुम्हें सुनाते हैं कि भागीरथी ने जब प्रार्थना की थी, अपने कान से गंगा जी को प्रकट किया था, इसलिए जानवी पुत्र बनकर जब गंगा जी प्रकट हुई थी तो तब से उनका नाम जानवी रख दिया गया। अंत में जहां सगर पुत्रों की भस्म पड़ी थी वहां जाकर गंगा मैया ने जैसे ही अपने पावन जल जा स्पर्श किया था सभी सगर पुत्रों का उद्धार हो गया था। बोली गंगा महारानी जय। सरजू महारानी जय। कहते हैं परीक्षित, इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतमूर्ण हुए। ऋतमूर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खट्टांग और खट्टांग के दिलीप, दिलीप के रघु और रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ, जिनके चार चार पुत्र चौथे पन में एक बार भूपति मन मानी। Thank you.
पति मनवाही भय गलान मनुष्य बनाई। चौथे पद में महाराज दशरथ जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरा चौथा पद आने वाला है और अभी तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, आगे मेरा वंश कैसे चलेगा। अतः सूर्य वंश की कथा तो 100 वर्षों में पूरी नहीं की जा सकती, ऐसा महर्षि वेदव्यास महाराज लिखते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। लेकिन उनके पुत्र येष्ट यज्ञ करने के तत्पश्चात महाराज दशरथ जी को कालांतर में चौथे पन में 4 पुत्र मिले, जिसमें प्रथम हुए राम, दूसरे लक्ष्मण, भरत, सप्तमी। बोली चारो भैया महाराज की जय। राम जी कौन है? उनके नामकरण की पंक्ति बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, लेकिन जो भैया हैं जिन्होंने अयोध्या जैसे राज का परित्याग किया और बड़े भैया के चरण पादुका रख कर 14 वर्षों तक तप किया कि मेरे भैया आए, जिनका नाम है भैया भरत। समस्त विश्व का भरण पोषण करना वही है भैया, वही भरत जी महाराज की जय हो। और शत्रुओं का विनाश करने वाले चाकी सुमिर सुमित्रा ने जन्म दिया है, शेषावतार लक्ष्मण जी, उनके लिए बाबा लिखते हैं लक्ष्मण धाम राम प्रिय का नाम होगा लक्ष्मण। एक बार जब भगवान का राजा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी ने देखा कि कल का राज तिलक होने वाला है, उन्होंने अपने देवासुर संग्राम के 2 वरदान मांग लिए। उस वरदान में उन्होंने मांगा संक्षेप में, एक तो भरत को राजगद्दी, दूसरे भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। उस समय जब भगवान श्री राम जी ने अपने छोटे भैया लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण पिता की आज्ञा मांगकर मैं वनवास जा रहा हूँ और तुम्हारी जिम्मेदारी पर माता पिता और प्रजा को छोड़कर जा रहा हूँ, जरा पिताजी का ख्याल रखना। आप सभी को पता है लक्ष्मण भैया ने क्या जवाब दिया, यहाँ मानस में बाबा लिखते हैं गुरु की I'm
कृष्ण ने कहा कि सरकार माता राम अमन पिता रामचंद्र स्वामी राम अमन सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नाम।